अल्लाह ताला ने कायन में नशो वनुमा का एक तदरीजी निज़ाम कायम फ़रमाया है चाँद जब तुलू होता है तो बड़ा छोटा सा दायरा मासूस होता है फिर उसकी नशो वनुमा होती है तो एक बड़ी रोशनी की सूरत में वो सामने आता है लेकिन पूरे रूज के बाद फिर वो ढलना और घटना शुरू होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो ज वाली रोशनी मांद पड़ती है और कुछ दिन उस पर ऐसे आते हैं कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता सूरज की शुआएं जब सूरज सुबह निकलता है तो मांद होती हैं फिर वो इतने उरूज पे होता है कि कोई उससे आंख नहीं मिला सकता लेकिन शाम को फिर वो अपने जवाल को देखता है दरख्त एक छोटे से पौधे की सूरत में होता है कभी कभी यूं भी लगता है कि हो सकता है कि तेज़ पानी आए या आंधी आए तो इसको जड़ से उखेड़ दे लेकिन फिर वो जब पूरा जवान हो जाता है तो फिर बड़े बड़े तूफ़ानों में भी खड़ा रहता है फिर उसका बाल भी बांका नहीं होता लेकिन फिर एक वक्त ख़िज़ाँ का आता है जब उसके पत्ते झड़ते हैं जब परिंदे उड़ जाते जब बुलबुलें उस पर बैठना छोड़ देती फिर कोई कोयल आके उसे कोई गीत नहीं सुनाती पतझड़ के मौसम में जवाल के दिनों में वो बहुत सारी आवाज़ों और बहुत सारे मेहमानों को तरसता है अल्लाह ताला का हिकमत का निज़ाम है उसने तदरीज की है इस नशो वनुमा में बस ये दो तीन मिसालें दी हैं ज़्यादा भी दी जा सकती हैं इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को भी पैदा किया है वो जवान आदमी जो मेहनत मज़दूरी करता है दौड़ता है भागता है आता है जाता है रिस्क कमाता है तो कैंों को पालता है ये जब बिल्कुल छोटा था ना तो इसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था इसके वालदेन उंगली के सहारे चलाते थे आज जो कन्ियों को खिलाता है कमा के अल्लाह की तौफीक से एक वक्त ये था कि यह अपने हाथ से लुकमा उठा के मुंह में नहीं डाल सकता था इसके माँ बाप इसके मुंह में लुकमे डालते थे इसकी माँ इसके लिए ख़िदमत करती थी फिर उसको रूज मिला फिर उसको बागपन मिला फिर उसने दुनिया देखी फिर उसने दौड़ना भागना देखा फिर उसने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई फिर उसने बड़ी बड़ी ट्रेनें चलाई फिर वो पायलट बना और इतना बड़ा जहाज़ मनो टनों के हिसाब से वज़न ले के ये अल्लाह ने इसके कब्ज़े में दिया ये ले के गया भी ये ले के आया भी जवानी उर्ज वाली अल्लाह ने अता की लेकिन फिर वक्त ढला फिर वापसी शुरू हुई काले बाल सफ़ेद हुए सीधी कमर टेढ़ी होने लगी उठते हुए घुटनों में दर्द रहने लगा ये अल्लाह का तदरीजी निज़ाम है जवानी के बाद बुढ़ापा आया लेकिन तकलीफ़ वाला मामला ये है कि वही शख्स जिस तरह अल्ला माशा जवानी में ख़ुद भूल गया था कि मुझ पर कभी बचपन भी था मैं कभी कमज़ोर भी था अल अत इंसान दहरी लम यकुन शैय मजकूरा इंसान पर एक वक्त वो भी तो गुजरा है जब ये कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था इसका नाम तक नहीं था जिस तरह जवानी में ये भूल जाता है ना मुझ पर बचपन भी था इसी तरह जब ये बूढ़ा होता है तो बाजूकात बच्चे भी भूल जाते हैं उनका ख्याल होता है कि शायद अब्बा ही बूढ़ा हुआ है दादा ही बूढ़ा हुआ है हमने शायद नहीं होना वो बड़ी जल्दी बूढ़ों को सक्रैप का माल बना देते हैं उनके लिए चार पाँचा स्टोर रूम में लग जाती उनको कहा जाता है कि अब्बा को ऐसी किसी ज़रूरत नहीं रही कि घुटनों में दर्द है उनको ये कहा जाता है कि चूंकि उनका सामान ही मुख्तसर सा है लिहाजा बड़े कमरे की हाजत ही नहीं है धीरे धीरे बुज़ुर्गों के साथ लोगों का रवैया सख्त है अल्लाह ने वालदेन के सारे हकूक़ बयान करके फिर आखिर में फरमाया कि दुआ मांगो हुकूक भी अदा करो बाज़ू भी खुले करो प्यार भी करो ख़िदमत भी करो और दुआ भी करो क्या दुआ करें फरमाया वक़ुर रबिर हम हुमा। मुझसे कहो दुआ करो मेरी बारगाह में कहो रबिर हम हुमा या उन दोनों पे रहम फरमा कमा रब्ब सगीरा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला था उनकी खिदमत करो और फिर मेरे हुजूर उनके लिए